नमस्ते दोस्तों, झटपट गेम्स में आपका स्वागत है। आज मैं जो गेम आपको बताने जा रही हूँ, इसके लिए बहुत ही सिंपल मटेरियल चाहिए, बहुत ही आसानी से सबके घर में होता है। लोगों, हमारे घर में बहुत सारे चिल्लर इकट्ठे हो जाते हैं फ्रेंड्स, और ये चिल्लर हम इकट्ठा करके रखते हैं। ऑलमोस्ट हर एक के घर में चिल्लर इकट्ठा रहते ही हैं। तो आज जो मैं गेम बताने जा रही हूँ, उसमें हम ये चिल्लर कॉइन्स का यूज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि जो प्लेयर है उसको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। आप 1 मिनट सेट करेंगे और उसको और प्लेयर को जो है इस तरीके से कॉइन्स को सीक्वेंस पे लगाना है, जैसे 10 रुपीज़, उसके बाद 5 रुपीज़, ऐसे उसको काउंट करना है। 10 रुपीज़ के बाद 5 रुपीज़, 5 रुप ऐसे भी रख सकता है, 5 का कॉइन भी रख सकता है। 10 रुपीज़ का कॉइन नहीं है तो ऐसे दो दो के सिक्के और 5 का सिक्का रख करके भी 10 रुपीज़ रख सकता है। ऑब्जेक्टिव है कि 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 4 रुपीज़, उसके बाद में 3 रुपीज़, उसके बाद में 2 रुपीज़, उसके बाद में 1 रुपी। इस तरीके की लाइन बनानी है। 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, ओके, 4 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़, इस तरीके की कॉइन उसको सीक्वेंस में रखना है। 10 रुपीज़ का अगर कॉइन है तो वेल एंड गुड, 10 रुपीज़ का कॉइन नहीं है तो दो दो के सिक्के, एक के सिक्के मिलाकर, या 5 के 5 5 के 2 सिक्के रख करके भी वो 10 रुपीज़ रख सकता है। 1 मिनट का टाइम मिलेगा। इस तरीके की लाइन उसको कंटिन्यूसली बनानी, जैसे एक लाइन यहाँ बनाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर यहाँ पे 10 रुपीज़ का कॉइन उसे रखा है या 10 रुपीज़ रखा है तो उसको लाइन वर्टिकली बनानी है। द पर्सन हु हैज मेड मैक्सिमम लाइंस, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी द विनर। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा ये गेम अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगी एक नए गेम के साथ में बहुत ही जल्दी। सी यू, बाय।